दोस्तों नमस्कार। पूरे देशवासियों के लिए सावधान हो जाने वाली खबर है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अगले 2 घंटे तक कोई भी घरों से बाहर ना निकलेगा। वैसे तो दोस्तों लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन साथियों नहीं निकलेगा, साथियों सावधान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण के दिन साथियों कोई सभी लोग बातें घरों से बाहर नहीं निकलते हैं अनावश्यक कार्यों से। सौर मंडल में लगने वाली ग्रहण की घटना भले ही खगोलीय हो, लेकिन ज्योतिषी के मुताबिक इसके लाभ और हानि दुर्गामी परिणाम होते हैं। इस साल 4 सूर्य ग्रहण है, जिसमें पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लग गया था और पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लग चुका था। अब इस वर्ष में अंतिम 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं, जिसमें 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषी के मुताबिक ये 1 माह में 2 ग्रहण लगना बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। इतना ही नहीं, 14 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 20 दिन भी खगोलीय घटनाक्रम के नजरिए से बेहद विशेष माने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव धरती पर प्राकृतिक आपदा, भूकंप, महामारी, सुनामी, बड़े देशों में युद्ध की स्थिति के रूप में देखा जाएगा। बताया जा रहा है कि ज्योतिषी पंडित पवन त्रिपाठी ने बताया कि 2023 में कुल मिलाकर 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। प्रथम सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को और पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को है। वहीं पर ही साथियों, अब आज 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण कंडाकृति सूर्य ग्रहण होगा। इसकी विशेष यह है कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। मूल रूप से सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, किनारा अटलांटिक, प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण शनिवार की रात 8:34 से प्रारंभ होगा। इसका समापन 15 अक्टूबर को रात 2:25 तक रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि दोस्तों अगर भारत में भी सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है तो साथियों आप फिर भी घरों के अंदर रहें, जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएं, इनके लिए बेहद खास है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, शेयर लाइक करें। थैंक यू।